हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉरिन इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम देखेंगे जिसका नाम है गेस द नंबर प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हम एक नंबर असाइन करेंगे, एक नंबर देंगे अपने कंप्यूटर को और दूसरा हम यूज़र को बोलेंगे कि वो इनपुट में वो नंबर भरे। अगर इसका नंबर जो हमने पहले नंबर दिया है उसका सेम है तो यूज़र जीते, अदरवाइज बताए क्या हमने ग्रेटर नंबर चूज किया है या लेसर नंबर चूज किया है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड में और देखते हैं हाउ टू रन दिस प्रोग्राम। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए चलते हैं और बनाते हैं कि यहां पर एक न्यू फाइल। इसका हम नाम क्या रखेंगे? इसका हम नाम रखेंगे गेस द नंबर डॉट पाई। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते ताकि आपको दिखे, आपको इजीली दिखे। और गैस द नंबर, तो इसके दो मेथड है। एक तो पहले हम नंबर करते हैं, दूसरे में हम लेंगे क्या, उसका हम रैंडम नंबर लेंगे, रैंडम नंबर लेंगे, रैंडम नंबर फिर देखेंगे कैसे करना है उससे काम। तो पहले हम जस्ट एक नंबर लेते हैं, तो इसका हम पहले हम नंबर देते हैं, जैसे 10 दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर इनपुट इंट एंटर योर नंबर इन बिटवीन 1 to 100। ओके दोस्तों, यहाँ पर इनपुट आना है तो मैंने इनपुट क्यों नहीं डाला, इनपुट एंड यहाँ पर फिर इसको करते हैं क्लोज। ठीक है दोस्तों, अरे यार, तो यहाँ पर इसको किया क्लोज। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ जो हमने लिया है यूज़र का इनपुट जो है, अगर वो इक्वल है किसके, नंबर के इक्वल है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो यूज़र विंस। ठीक है दोस्तों, इफ यूज़र इनपुट इस ग्रेटर देन किसे नंबर से तो प्रिंट यू सेलेक्टेड द ग्रेटर नंबर। इफ की जगह हम एल इफ लेते हैं, वो ज्यादा सूट करेगा। एंड देन एल इफ यूजर इनपुट अगर छोटा है किसी नंबर से तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट यू सेलेक्टेड एन लोअर इनपुट एंड एल्स कर दो। मान लो यूजर अगर खुरा पाती हो, अगर वो नंबर की बजाय कोई अल्फाबेट दे दे तो उसको कैसे टैकल करना, तो उसको टैकल करने के लिए हम करेंगे प्रिंट और लिख देंगे यहां पर यू मेड एन इनवैलिड चॉइस। ओके दोस्तों, तो ये बन गया हमारा एक प्रोग्राम छोटा सा। चलिए इसको अब रन करके देखते हैं, पहले हम रन करके देखेंगे क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एंटर योर नंबर इन बिटवीन 100 to 10, तो हमने 10 लिया तो पहले हम 10 लेके देखते हैं, यूजर विंस। अब चलिए देखते हैं, 10 लिया है तो हम 11 लेते हैं, यू सिलेक्टेड अ ग्रेटर नंबर। देखा दोस्तों, ये अगर हमने बड़ा नंबर लिया तो ये बताएगा कि आपने बड़ा नंबर चूज किया है। एंड देन अगर हमें यहाँ पर 9 लिया या 1 लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप उसे छोटा, तो यू सिलेक्टेड एन लोअर इनपुट। एंड देन अब हम देखेंगे क्या, अगर हम देखेंगे इनवैलिड स्टेटमेंट, तो जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया तो इनवैलिड डिटेल फॉर इंट विद बेस 10, या डेट मीन्स ये आपका एरर दे रहा है।
तो चलिए अब इसको हम करते हैं कैसे, इसका नंबर हम लेंगे रैंडम नंबर। तो जो ये है नंबर है, इससे पहले हम लेंगे क्या, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रैंडम, और क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंड इंट, किससे लेके, 1 से लेके 101 तक। इसमें होता क्या है, जो लास्ट नंबर होता है ना 101, तो ये 100 तक लेगा, लास्ट डिजिट नहीं लेता है। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। एंड अब मेरे को भी नहीं पता इसने कौन सा लिया है, तो यू सिलेक्टेड अ ग्रेटर नंबर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करेंगे, नंबर, एंड देन अब हम रन करके देखते हैं। तो टू टू लेंगे तो यूजर बिन्स करते हैं, ये देखिए 9, हर बार नंबर चेंज हो रहा है, तो 8 लेते हैं, यू सिलेक्टेड लोअर इनपुट, एंड देन नंबर फिर से चेंज हुआ, तो कुछ भी ले सकते हैं 55। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम ये काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।